राज्यों में अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें से कुछ के राज्यपालों को विशेष शक्तियां दी गई हैं। ये भी क्या है, असममित संघवाद का उदाहरण है। फिर यहां पर ये जो है कि मतलब राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, असमान प्रतिनिधित्व होने का कारण क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यवार समानता के आधार पर नहीं दिया गया है बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। इसलिए यहां पर यह भी क्या है, एक असममिति का क्या है कारण है। और इन सब की वजह से भारत एक रेनबो फेडरलिज्म क्या है बनता है। यह एक प्रकार का इंद्रधनुषी जो है वास्तव में संघ बनता है। एक और बात, जब हम असममित संघवाद की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात प्रमुखता से उठाई जाती है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के बारे में अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में समझना जरूरी है। अनुच्छेद 370 यह कहता है कि जम्मू कश्मीर के मामले में संसद की शक्तियां सीमित हैं। संसद की शक्तियां संघ सूची और समवर्ती सूची के उन्हीं विषयों पर होंगी जिनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में शामिल करने के बाद राज्य, वहां के राज्य सरकार के परामर्श के बाद, संसद क्या है उन पर कानून बनाए। मतलब यहां पर स्थिति क्या है थोड़ा आप समझिए। जम्मू कश्मीर का भारत में जो एकीकरण हुआ है वो अधिमिलन पत्र के आधार पर हुआ है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अधिमिलन पत्र में कुछ विषय भी दिए गए थे तो उन विषयों में, उन विषयों से जुड़ी हुई बातें भारत में संघ सूची और समवर्ती सूची और राज्य सूची में भी हो सकती है। सामान्य स्थिति में भारत की संसद जब कानून बनाती है तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की उसकी जो शक्ति है वो असीमित ही नहीं है बल्कि क्या है, एक्सक्लूसिव भी, या संघ सूची के मामले में तो एक्सक्लूसिव भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर जब कानून बनाएगी संसद तो उसकी शक्तियां इस दृष्टि से सीमित हो जाती हैं क्योंकि राज्य सरकार से परामर्श करना क्या है, जरूरी होता है। सीधे शब्दों में कहें तो जम्मू कश्मीर में भारत के संसद के द्वारा बनाए गए कानून तभी लागू होंगे जब वहां की राज्य सरकार क्या करे, उसे स्वीकार करे या उस पर परामर्श करने के बाद सहमति दे दे। एक और मुद्दा उठा कि अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से कोई चीज बाहर है तो उसका क्या होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से तो 370 के एक धारा में, 370(2) में ये कहा गया कि परामर्श के द्वारा होगा और 370(3) में कहा गया कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से बाहर है उनके वास्तव में, या 370(2) में सहमति की बात कही गई, 370(3) में परामर्श की बात कही गई। मतलब परामर्श के बाद क्या है, संसद के द्वारा कोई भी कानून जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर क्या होगा, विस्तारित होगा। अब बहुतों को लगता है कि ये साहब क्या है, जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद है उस अलगाववाद की वजह यही है कि जब आप इकाई, जब आप जम्मू कश्मीर को ज्यादा ताकत देते हैं। दरअसल ये जम्मू कश्मीर के अलगाववाद की बहुत ही सतही व्याख्या है। जम्मू कश्मीर के अलगाववाद की वजह अनुच्छेद 370 नहीं है बल्कि उल्टा यह सच्चाई है कि 370 जम्मू कश्मीर और भारतीय संघ के रिश्ते की वजह है। दरअसल वो सिद्ध करता है कि तुम भारत के पार्ट हो, वो ये सिद्ध नहीं करता कि तुम भारत से अलग हो। तुम भारत के पार्ट हो या जम्मू कश्मीर राज्य भारत का पार्ट है लेकिन जम्मू कश्मीर को कुछ अलग विषय क्या है, अलग शक्तियां भी दी जाएंगी वहां की विशेष स्थिति को देखते हुए। तो एक तो ये है कि जो इसमें राजनीतिक रूप से क्या है कई बार विवाद उठाया जाता है। दूसरी बात है कि सिद्धांत में कोई चीज कही जाए, संविधान में कोई चीज कही जाए और व्यवहार में भी वो चीज वैसी ही हो, ये जरूरी नहीं है।
दरअसल अनुच्छेद 370 से कहा जम्मू कश्मीर के प्रांतीय सरकार को ज्यादा शक्तियां मिलनी थी, लेकिन अनुच्छेद 370 का व्यवहारिक अनुपालन ये होता है कि जम्मू कश्मीर के सरकार की शक्तियां और कम हो गई हैं। दरअसल पहले जम्मू कश्मीर में सदरे रियासत होता था, अब वहां पर गवर्नर होता है। गवर्नर की सहमति से, गवर्नर की सहमति राज्य सरकार की सहमति मान ली जाती है, और गवर्नर के हाँ कहने पर जम्मू कश्मीर पर कोई भी संसद के द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और गवर्नर किसका अपॉइंटी है? केंद्र सरकार का। इसलिए माधव खोसला ने अपनी किताब में लिखा कि व्यवहार में तो ये है कि जम्मू कश्मीर की शक्तियां क्या हो गई हैं, कम हो गई। और हम हल्ला कर रहे हैं 370 हटाओ, इसको हटा दो, इसके वजह से क्या है। तो अब तो एक तो ये है कि जम्मू कश्मीर 370 के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को देखें। पहली बात ये कि जम्मू कश्मीर पर 370 के तहत संसद की शक्तियां सीमित हैं। संसद संघ सूची और संवर्ती सूची पर जो भी कानून बनाएगी, उन कानूनों को राज्य सरकार के परामर्श या राज्य सरकार की सहमति के बाद ही जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाता है। इसलिए जब कोई कानून पारित होता है तो कई बार कानून के नीचे ब्रैकेट में लिखा जाता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर को क्या है? छोड़कर। इसका मतलब कि वहां पर उस कानून के बारे में राज्य सरकार की सहमति क्या है, नहीं ली गई। तो जम्मू कश्मीर भारत के असममित संघवाद का उदाहरण है, और अनुच्छेद 370 उसके हैसियत या उसके दर्जे को असमान करता है। लेकिन केवल ये बात जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं है, ये बात तो नागालैंड और सिक्किम के लिए भी है। यह बात तो आप भारत में अगर असममित देखेंगे तो दूसरे प्रकार की असममित पूर्वोत्तर के राज्यों के संदर्भ में है, पूर्वोत्तर के राज्यों के संदर्भ में है। तीसरे प्रकार की असम्मति उन जनजातीय बहुल राज्यों के संदर्भ में है जहां के गवर्नर को दूसरे राज्यों के गवर्नर की तुलना में ज्यादा शक्तियां दी जाती है। चौथे प्रकार की असम्मति उन राज्यों के संदर्भ में है जिनको छठी अनुसूची में विशेष तौर पर जिक्र किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों को अलग से क्या है, अलग से उल्लिखित किया गया है। तो केवल जम्मू कश्मीर ही मुद्दा क्यों? अगर आप मुद्दा बनाएंगे तो 370, 371 के एबीसीडी से लेकर जी तक के जो प्रावधान है वो सारे प्रावधान मुद्दा बनेंगे। और ये सिद्ध करता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न रूप और भारतीय संविधान में छठी अनुसूची उसको असममित संघवाद के रूप में क्या है, सिद्ध करती है। तो इसको, इस स्थिति को भी क्या है, ध्यान में रखना है। दूसरी बात मैंने बताई कि निवास संबंधी अपेक्षा है। तो भारत में क्षेत्रवाद की भी समस्याएं रही हैं, धरती पुत्र आंदोलन हुए हैं भारत में। धरती पुत्र आंदोलन मतलब कि हम माटी के लाल हैं और तुम बाहरी हो, तुम यहां कैसे। नौकरी महाराष्ट्र की मराठियों के लिए होगी, इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है रेलवे का एग्जाम देने जाने वाले बच्चों को वहां पर दौड़ा दौड़ा कर पीट भी सकती। यहाँ पर ये सब चीजें क्या हुई हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्शन क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्शन ये है कि हम धरती के पुत्र हैं, माटी के लाल हैं, हमारा क्षेत्र ये है, तुम बाहरी हो, हम भूखे मरेंगे और तुम आबाद रहोगे, नहीं तुम भागो यहाँ से। भारत में इस तरह की, आसाम में इस तरह के मुद्दे हैं कि नहीं है? आसाम में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ये भी हैं। कभी एक बार बंगाली और गैर बंगाली का मुद्दा या मूल असमी का मुद्दा होता है वहां पर, कि बंगालियों ने आकर यहाँ की इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लिया है, डोमिनेंस करते हैं, और हम नॉन बंगाली, हम असमी बोलने वाले जनजातीय लोग, हमारी इकोनॉमी पर इनका कंट्रोल है, इनको बाहर करो। फिर वो हिंदी भाषी और गैर हिंदी, वास्तव में क्या असमी के बीच का भी मुद्दा हो जाता है, उसमें भाषावाद के भी पहलू आ जाते हैं। फिर इसी तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो राजनीतिक शुरुआती स्टैंड रहा है वो मराठी अस्मिता को लेकर ही रहा है, वहां पर भी एक क्षेत्रवाद की क्या है चीजें।
जहां पर भी किसी देश में आप विकास करेंगे, उस क्षेत्र के लोगों को अगर नौकरी चाकरी में स्थान नहीं देंगे, तो वैसी स्थिति में क्षेत्रवाद की समस्या और क्या है, जटिल हो जाएगी। इसलिए स्थानीय निवासियों के लिए संसद विशेष आवश्यकता पड़ने पर अनुच्छेद 16 के तहत, 16(3) के तहत कानून बना सकती है कि स्थानीय निवासियों को नौकरियों में क्या है, वरीयता दी जा सके। ये ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से मना करता है, लेकिन निवास के स्थान पर कुछ भेदभाव किए जा सकते हैं। धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की लड़कियों को उनके डोमिसाइल होने के आधार पर उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। तो निवास संबंधी अपेक्षा तो यहां पर भी है, निवास संबंधी अपेक्षा तो यहां पर भी है। तो यह भी हमारे असंमित संघवाद का क्या है, एक उदाहरण। फिर असंमित संघवाद का एक और पहलू कि भारत में राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और केंद्र शासित प्रदेश एक तो राज्यों से अपनी संरचना में अलग है ही, अपने भीतर भी सभी केंद्र शासित प्रदेश एक समान नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जैसा कि उनका नाम है, केंद्र का नियंत्रण ज्यादा होता है, वो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो केंद्र का नियंत्रण ज्यादा होगा। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन या तो उपराज्यपाल के द्वारा होगा या कमिश्नर के द्वारा होता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की शासन संरचना राज्यों से इस मामले में क्या है, अलग हो गई। और केंद्र शासित प्रदेशों को बनाए जाने के प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सैनिक में से कोई भी कारक हो सकता है या कई कारक हो सकते हैं। कई बार प्रशासनिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाना जरूरी है। दिल्ली को इसलिए प्रशासनिक आवश्यकता है उसे केंद्र शासित प्रदेश क्या है, बनाए रखा जाए। कई बार सैनिक जरूरतें होती हैं, कई बार सांस्कृतिक विविधता, जनजातीय, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में ऐसी जनजातियां हैं जिन जनजातियों की वजह से, जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के संरक्षण की दृष्टि से उसे केंद्र शासित प्रदेश क्या है, बनाया गया। सैनिक कारण भी है कि हमारी सेना की कमांड वहां पर है अंडमान निकोबार में, तो यहां पर सैनिक कारण भी हो गए। और कई बार राजनीतिक जब मतभेद होते हैं, विवाद होता है एक ही क्षेत्र को लेकर, तब भी उसका निराकरण क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दो, चंडीगढ़ न पंजाब का न हरियाणा का, चंडीगढ़ दोनों का, लेकिन नियंत्रण दोनों में से किसी का नहीं रहेगा, केंद्र शासित प्रदेशों का, ये भी क्या है। तो एक तो ये, फिर केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर भी तो असमानताएं हैं। दिल्ली और पुडुचेरी जैसे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके भीतर विधानसभा भी है और मंत्रिपरिषद भी है, ये असम्मिति के भीतर भी क्या है, एक असम्मिति है। और चौथा मैंने राज्यसभा के, या अगला मैंने राज्यसभा के संदर्भ में बताया। तो भारत एक असम्मित संघवाद का उदाहरण है। यहाँ पर वह संयुक्त राज्य अमेरिका से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। भारत में असम्मितियों को बनाए रखने के कई ठोस कारण हैं। भारत की विविधता उसमें बहुत बड़ा कारण है, क्षेत्रीय पहचान उसमें बहुत बड़ा कारण है। भारत में इकाइयां एक जैसी नहीं रही हैं, भारत में क्या है, इकाइयां एक जैसी नहीं रही हैं। भारत में जो रियासतें रही हैं उनको मिलाकर भी संघ बनाया गया, और कुछ रियासतों का जो शासनिक ढांचा रहा है वो शासनिक ढांचा बिल्कुल क्या है, भिन्न रहा है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है, काटती हुई अस्मिताएं हैं और उनकी छोटी बड़ी लकीरें हैं। अस्मिता का मतलब होता है पहचान। जैसे भारत में अलग राज्य बनाए जाने की मांगों का विश्लेषण आप करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ क्षेत्रों में अलग राज्य बनाए जाने की मांग पिछड़ेपन की वजह से है, विकास में पीछे छूट जाने की वजह से है। जैसे बुंदेलखंड की मांग क्यों है, बुंदेलखंड की मांग बुंदेली अस्मिता की वजह से नहीं है कि खूब लड़ी मर्दानी, बस तो झांसी वाली रानी थी और हाय हाय रे झांसी की रानी की जो अस्मिता, जो पहचान थी वो भारतीय संघ में खो गई, हम बुंदेली अस्मिता के लिए क्या है लड़ेंगे। राजा बुंदेला ने कभी ये बात नहीं कही, उस मूवमेंट को क्या है, लीड कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड की मांग, विदर्भ की मांग,
विदर्भ की मांग क्या है? पिछड़ेपन की वजह से है। तो यहां पर क्या है कि राज्यों की एक मांग आर्थिक कारकों से संचालित हो रही है, राज्यों के दूसरे प्रकार की मांग को आप देखिए, हमको बोडो लैंड चाहिए, गोरखा लैंड चाहिए, पहचान के आधार पर अस्मिता, हम भूखे रहेंगे, हम सैलरी ओली नहीं दे पाएंगे, फिर भी हम अपना अलग राज्य बनाएंगे, हम कटोरा लेकर केंद्र के सामने खड़ा रहेंगे कि भगवान के नाम पर अनुदान दे दे भाई, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, हम अपने से जी खा नहीं पा रहे हैं। ये क्या है, कटोरा ही तो है। और इसमें भारत में इसको बहुत शौक से माना जाता है कि दोगे कैसे नहीं, मजाक बना के रखा, इतने लोगों का सिग्नेचर करवाया मैंने विशेष राज्य के दर्जे के लिए, जन आकांक्षा है कि विशेष राज्य का दर्जा दो। अब केंद्र कहता है कि हम विशेष राज्य का दर्जा पर्वतीय और भौगोलिक दृष्टि से अलग राज्यों को देंगे, जनसंख्या के पहलू और जनसंकेंद्रण के पहलू को भी देखेंगे, सरहद पर जो राज्य है उनको देंगे, और आप कह रहे कि नहीं हमको भी दो। तो यहां पर क्या है, ये क्या है। अब यहां आप ये देखिए कि पहचान का भी मुद्दा है, और पहचान का जो मुद्दा है वो आपको अलग अलग क्षेत्रों में दिखा। एक कुर्ग एक छोटा सा क्षेत्र है, कॉफी खूब पैदा होती है, ऊटी की पहाड़ियों और ऊटी एक हिल स्टेशन के रूप में भारत में चर्चित है। मिठुन चक्रवर्ती साहब के बहुत सारे होटल वोटल हैं वहाँ पर ऊटी में, ये भी ऊट कमंड की पहाड़ियाँ आप भूगोल में पढ़ते हो। वो जो एरिया है वो कोडागू कहा जाता है और वहाँ कुर्ग भाषा है। अब वो थोड़ा सा छोटा सा एरिया है, इलाहाबाद से थोड़ा सा बड़ा होगा, इलाहाबाद जिले की बात कर रहा हूँ, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी कह रहा है कि हमको अलग राज्य बनाओ, हम अलग रहेंगे, हमारी कन्नड़ पहचान से हमारी पहचान मिल नहीं खाती है, क्या दिक्कत है भाई। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारी पहचान जो है वो हो रही है। अगर गोरखाओं से पूछा जाए कि बंगालियों से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तुमको, अरे तुमने ले लिया दार्जिलिंग को एक स्वायत्त शासी परिषद क्या है बना दिया गया, गोरखा स्वायत्त शासी परिषद बना दिया गया, परिषद बना दिया गया, 50 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मौका दे दिया गया, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हो गया, आप वहाँ आराम से जो है राज्य के बराबर हो गए, फिर भी क्या है कि हम क्या है अलग रहेंगे, हम बंगालियों के साथ नहीं रहेंगे। तो भारत जो है इसमें काटती हुई अस्मिताएं हैं। आशुतोष वार्ष्णेय के शब्दों को अगर उधार लेकर कहें तो इसमें एक दूसरे की आइडेंटिटीज को कट करती हुई लकीरें, और ऐसे एक देश में संघवाद ही क्या होगा, ज्यादा दिक्कत करोगे ठीक है अलग बना लो, लेकिन देख लो हालचाल छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, उत्तराखंड का, इनमें से कुछ ऐसे थे जो 10% से ज्यादा ग्रोथ किए लेकिन उनमें पर्यावरणीय समस्याएं आ गई, और कुछ ऐसे थे जो निरंतर राजनीतिक अस्थिरता से क्या रहे आक्रांत रहे, आया राम गया राम की राजनीतिक संस्कृति क्या है विकसित हो गई। और फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जब आओगे तो छोटे राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसको कोई तवज्जो देता होता नहीं है, देखो व्यवहारिक बात नहीं, तुम क्या कर लोगे, दो चार एक आध दो लोकसभा की सीट है उसको तुम इधर उधर प्रभावित कर लोगे, और अपने राज्य में क्या है। अब भारत में कई ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर कुछ राज्यों के स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा है, यहां तक कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों का SDP जो है दिल्ली नगर निगम के टोटल टर्नओवर से कम है। दिल्ली नगर निगम वैसे 3 भागों में बांट दिया गया, इतना विशाल था, इतना रेवेन्यू जनरेशन होता था, भाई हाउस टैक्स जो है वो क्या लेता है नगर निगम लेता है। तो अब यहां इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें आर्थिक भी हैं, जैसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि छोटा राज्य बनाओगे कि बड़ा राज्य बनाओगे, किसका समर्थन करते हो, तो आपको लगता है कि भूमंडलीकरण के दौर में छोटी आर्थिक इकाइयां व्यवहार्य होंगी, टिक पाएंगी नहीं टिक पाएंगी।
दोनों नहीं, यहाँ पे थोड़ा जनरलाइजेशन से बचेंगे। छोटे छोटे राज्यों में कुछ के वास्तविक दुख दर्द है। विदर्भ का तो दुख दर्द क्या है, वास्तविक। बुंदेलखंड का भी दुख दर्द जो है वो वास्तविक। हाँ